नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबर गारनूर। आइए नजर डालते हैं जबलपुर के 10 बड़ी खबरों पर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंजाबी साहित्य अकादमी, संस्कृत परिषद व पंजाबी महासंघ जबलपुर के द्वारा पंजाबी लोकरंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, तो वैक्सीनेशन के तहत वैक्सीनेशन सेंटर के साथ ही साथ मोबाइल वैक्सीनेशन टीमों ने घर घर जाकर के वैक्सीन लगाई। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो बाल दिवस के अवसर पर बाल भवन जबलपुर में उमंग कार्यक्रम के तहत कलात्मक गतिविधियों का हुआ आयोजन। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में बच्चे अब पढ़ सकेंगे पंजाबी। विश्वविद्यालय ने उपलब्ध कराया नया विकल्प। अगली खबर की बात करें तो अखिल भारतीय जागरूकता प्रसार कार्यक्रम के समापन पर हाई कोर्ट परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी। अगली खबर जबलपुर के सिहोरा से है। सिहोरा में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही 2 ट्रक धान की गई जब्त, मामला किया गया दर्ज। अगली खबर की बात करें तो जबलपुर जिले के 18 केंद्रों में NDA, CDS एवं NA परीक्षा संपन्न, 3 पालियों में हुई परीक्षा। अगली खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियांत्रिकी परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों में संपन्न, 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की गई थी परीक्षा। अगली बड़ी खबर का रुख करें तो संविदा विद्युत कर्मियों की रुकी वेतन जल्द ही मिलेगी। नवम्बर से शुरू हो 6 समान किस्तों में वेतन देने का आदेश कलेक्ट्रेट से पारित। अगली खबर की तरफ बढ़े तो समझौते के बाद आदित्य हॉस्पिटल जबलपुर ने 1,08,000 रुपए माफ कर परिजनों को सौंपा मरीज का शव। कलेक्टर के दखल के बाद सुलझा मामला। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।